और बड़ी खबर मोरबी से, जहां पर मोरबी हादसे पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी बोले, मोरबी हादसे में अब तक 132 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। मौके पर 108 डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों का इलाज कर रही है। सर्च ऑपरेशन पर पीएम मोदी की नजर बनी हुई है। पीएमओ एक एक मिनट की लगातार रिपोर्ट ले रहा है। सेना और इंडियन एयरफोर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हर्ष सांघवी, जो कि गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। और रातों रात कल 6:30 बजे शाम को यह हादसा हुआ, उसके तत्काल कुछ ही घंटों में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वहां पर पहुंच गए। और आज सुबह सुबह गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी वहां पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, अपडेट ली और कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी बारीकियों को समझा। फिलहाल गृह मंत्री की तरफ से 132 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। रात की कामगिरी में जुड़ी हुई है, पूरी रात ये ऑपरेशन चला है और काफ़ी लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। तमाम हॉस्पिटलों के अंदर भी तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। हमारी तमाम एम्बुलेंस स्टैंड टू रखी गई हैं। तमाम बिस्तरों में जो एम्बुलेंस स्टैंड टू रखी है, उनके साथ साथ पुलिस द्वारा कर्मचारी पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़े और तात्कालिक उसको मेडिकल केयर मिले। इसके साथ साथ अभी तक जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, वो भी इस कामगिरी में जुटी हुई है और इस केस में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध में कड़क से कड़क हम लोग इसमें एक्शन लेने वाले हैं। हमने तमाम हॉस्पिटलों को हमारे जो हेल्प डेस्क का निर्माण किया हुआ है, आपके मार्फत में अपील करता हूं कि किसी का भी कोई सगा संबंधी गुम हो या मिल नहीं रहा हो तो तात्कालिक हमारे हेल्प डेस्क जान करें। हम तात्कालिक हेल्प डेस्क के मार्फत जिन जिन व्यक्तियों की गुमशुदी मिली है उनको हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं। और अभी तक जो टोटल डेथ का आंकड़ा है, ये खरे का खूब दुखद अवसान हुआ है और इस दुखद अवसान के अंदर अभी तक 141 लोगों की डेथ हो चुकी है, 2 व्यक्ति अभी तक मिसिंग है। सर आखिरी सवाल, यादव जी, कोई पुलिस फरियाद इसमें दाखिल हुई है? पुलिस ने इसने तात्कालिक इसमें फरियाद दाखिल की गई है, FIR दाखिल हुई है और पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता के जो स्ट्रिक्ट सेक्शन है उसके अनुसार इसमें गुना दाखिल किया गया है और हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे प्रकरण को देख रही है। इस केस में तमाम साइंटिफिक वैज्ञानिक पुराव लेने के बाद, FSL की मदद लेने के बाद इसमें चार्जशीट हम लोग करेंगे। इसके सामने मतलब फरियाद, इसमें जो FIR हुई है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके विरुद्ध में की गई है। पुलिस के पास उसमें अलग अलग उसमें एंगल्स, उसमें पुलिस को तपास करना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी को आपने सुना, 141 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं, जबकि राज्य की गृह मंत्री की तरफ से 132 की आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, ये आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी थी। लेकिन इस बीच के हालात पर और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं मोरबी से संवाददाता हिरेन वाडिया। हिरेन, पूरे मामले पर जारी रेस्क्यू को लेकर अपडेट दें, साथ ही ये भी बताएं कि राज्य के गृह मंत्री भी क्या साजिश के तहत कह रहे हैं कि ये हादसा हुआ है और जांच को लेकर उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया। बिल्कुल, अभी भी मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन है, जारी है। कल शाम के 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। धीरे धीरे सभी टीम्स को यहां पे बुलाया गया था, NDRF, SDRF की टीम हो, नेवी की टीम हो, आर्मी की टीम हो, सभी को इधर है बुलाया गया है। और अब जिस तरह से देख रहे हैं कि गरुड़ कमांडो है, उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया है। जिस तरह से ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज टूटा था और अभी तक की बात करें तो
आधिकारिक दौर से 140 लोगों के मौत की जो खबर आ रही है, परंतु जिस तरह से सूत्रों की माने तो 170 से भी ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी लापता है। मोरबी जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन भी जारी किया है और वहाँ पर लोग अपने परिवार के लोगों को मिसिंग की तरह कॉल भी कर रहे हैं और अपना नाम भी लिखवा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पूरे मोरबी के आसपास के जिले हैं, वहाँ से सभी रेस्क्यू बुलाया गया है, सभी एम्बुलेंस को टीम यहाँ पे बुलाया गया है। मोरबी जिले में मेडिकल इमरजेंसी की भी घोषित की गई है। जिस तरह से अभी कई लोग ऐसे थे सुबह तक की जो अभी उसका मृतदेह है अलग अलग जगहों से मिल रहा है, धीमे धीमे ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता जा रहा है और सभी लोगों को मोरबी जिला की प्राइवेट और सिविल अस्पताल में सारवार के लिए ले जा रहे हैं। परंतु अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। धीरे धीरे पानी निकालने का भी काम यहाँ पे शुरू कल रात से ही कर दिया था, तो पानी का बहाव भी कम हो चुका है। इतनी रेस्क्यू करने में और लोगों को, लापता लोगों को ढूंढने में पूरी सहायता मिल सके, और अभी भी ये कार्यवाही शुरू है। सभी प्रशासन मिलके यहाँ पे कार्यवाही कर रहे हैं और जिस तरह से और ऐसे देखा जाए जो लापता बताए जा रहे हैं। 141 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। वो भी कल रात से यहाँ पे ठहरे पूरी। तो बिल्कुल कई ऐसे लोग हैं क्योंकि जिस तरह से पहला जो रूट था अभी 5 दिन पहले ये जो ब्रिज है उसको ओपन किया गया था क्योंकि 6 महीने से उसका मरम्मत चल रहा था और आसपास के लोग, क्योंकि छुट्टियों का दिन था तो आसपास के लोग बहुत बड़ी संख्या में आए थे। 400 लोगों को टिकट इश्यू की गई थी और 250 से 300 लोग ब्रिज पर थे। अभी कई ऐसे लोग थे जो लापता है क्योंकि जिस तरह से अगर पानी में से भी निकाले जाए तो भी कौन सी अस्पताल में उसकी सारवार। बहुत सारे लोग ऐसे लापता है।